जाने के लिए अंडरपास है और ये अंडरपास बनने के बाद पूरा ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक। हाँ मैंने बताया जब हम लोग एक नई जगह जा रहे हैं और आज हमारे साथ है दर्शन भैया। हेलो दर्शन भैया, टर्मिनल 2 पे हमारा आज फ्लाइट है। मौसम बहुत सुहावना, हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। आ गए हम लोग इंडिया गेट और आज लोगों की स्ट्राइक है, तो प्राइवेट गाड़ी थी आज रोड पे। काफ़ी रश था सिक्योरिटी में, तो बहुत टाइम लग गया, बट अभी हमारे पास 1 घंटा है। तो अर्चित 1 घंटा है, अर्चित सबवे खाएगा उसका। अर्चित एक पहले एक वो देखो कहाँ पर है आप, रश देखिए बिल्कुल ही। तो हम लोग का अभी बोर्डिंग का टाइम हो गया है। बहुत रश है टर्मिनल 2, बहुत ही क्राउडेड है। और अर्चित ने एक सब्वे ले लिया है, पहुंच गए हम लोग वाराणसी, बनारस, काशी। वेलकम। और फ्लाइट हम लोग की 1 घंटा डिले हो गई है। गिटार प्लेइंग बॉय, चलो पहले बैगेज कलेक्ट करते हैं। बेल्ट नंबर 1, pretty decent airport. और बाहर मुझे ATM से कुछ कैश भी निकालना है। अभी ऐसे तो कुछ नहीं है,
एग्जिट कहाँ है। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने होटल से टैक्सी कर लिया था क्योंकि हम लोग का लेट इवनिंग में पहुँचना था। हल्की बूंदाबांदी हुई है लग रहा है, अभी हुई है ना। तो बनारस में आपका स्वागत है। तो वन ऑफ द वेरी ओल्ड सिटीज ऑफ इंडिया और जो अपना हेरिटेज एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत फेमस है एंड नॉट टू फॉरगेट अबाउट द बनारसी फूड। तो अभी यहाँ से डायरेक्टली पहले होटल जाएंगे और डिनर आज का देखते हैं, लेट हो गया तो होटल में ही कर लेंगे और एक प्लान चेकआउट करेंगे। हम लोग अभी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज बनारस में है तो विल एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल एरियाज एंड आपको भी साथ में दिखाएंगे। ये पुल बना है, हाँ ये रोड भी बना है। अच्छा रोड बना है, नहीं तो पहले सिग्नल रोड रहती थी। अच्छा 20 किलोमीटर एक घंटा लगता है। अच्छा नीचे है। मार्केट है। अच्छा ऊपर से पूरा एलिवेटेड रोड बन गया है। 2014 में आए तो 15 में पहले 22 किलोमीटर का पूरा पुल प्लान हुआ। अच्छा इसमें दो पुल बनाते हुए जो रोड पूरा 22 किलोमीटर 2 साल में कम्प्लीट हुआ। अच्छा ये सबसे लंबा है। अच्छा ये सबसे लंबा। मुगल जब आए राज्य करने के लिए तो इसका नाम बनारस रखे। अच्छा पाली भाषा पहले चलती थी, मुगल भाषा मुगल समय में तो पाली भाषा में इसका नाम बनारस था। तो बनारस को लोग भोजपुरी बना दिए बनारस। अच्छा। बनारस का मतलब हो गया बना हुआ रस, मतलब कि मिक्स जूस, यानी इसमें सब लोग मिक्स है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जापानी कोरिया सब, किसी में कोई का झगड़ा नहीं, सब लोग मिल के रहते, इसलिए बनारस। वाराणसी जो है दो नदियों का नाम जो है, बनारस के नॉर्थ में जो है वरुणा नदी बहती है और साउथ में जो है अस्सी नदी है सिटी के। अच्छा अच्छा तो दोनों गंगा में ज्वाइंट होती हैं इसलिए नाम को भी ज्वाइंट किया। अच्छा वरुणा अस्सी वाराणसी। ये बड़ा वाला मडी आ गए होटल माजिन और ऑलरेडी होटल बुक है, हम लोग का रूम बुक ऑलरेडी है। हाँ ये अभी तो बंद हो गया है, रेस्टोरेंट बंद हो गया, रेस्टोरेंट तो बंद हो गया ना भैया अभी। अच्छा ठीक है आ जाओ चलो। तो होटल का चेक इन हो गया, 3rd फ्लोर पे है। क्या बनाया है, क्या बूटी बनाया है? 3016 है होटल तो अच्छा ही है। 3016 चलो आ गए। ये तो बहुत ज्यादा चिल्ड करके रखा हुआ भाई। हाँ ज्यादा ही चिल्ड है कुछ। ये हमारा रूम है, एग्जीक्यूटिव
रूम और यहाँ पर एक छोटा डेस्क है, एक अर्चित के लिए एक्स्ट्रा बेड, टीवी वगैरह लगे हुए, और ये देखिए मैडम आके पहले अंदर घुस गए, तो ठंडा लग, एसी बिल्कुल चिल्ड था। और ये यहाँ एक छोटा सा सोफा टाइप का है, बाकी सब रखने के लिए सामान है, एम्यूनिटीज सब है। यहाँ पर क्या है जरा इसको देखते हैं। ओके, फ्रिज है यहाँ पर एक, राइट, और वॉशरूम एक बार देख लेते हैं। वॉशरूम ये भी काफी डिसेंट साइज है, वॉशरूम वेरी गुड, वेरी वेल मेंटेन्ड है। डिनर के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है, सो आज खाना खा के सो जाएंगे, कल मॉर्निंग में हमें निकलना है। अर्चित पता कितने बजे है? 6 o'clock। सो उठ के हम लोग कल मंदिर दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाएंगे, और फिर आके ब्रेकफास्ट करके फिर फर्दर कल सिटी टूर का प्लान है। सो जो हमने कैब बुक कर लिया था तो वो उनको भैया को ही लेके जाएंगे। सो अभी एक गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक, और अभी 7 बज गए सुबह के। सो अभी हम लोग निकल गए घाट दर्शन करने के लिए, और काशी विश्वनाथ मंदिर में अभी आ जाएंगे। तो नीचे ड्राइवर साहब आ गए हैं, तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग अर्चित, उठ गया है अर्चित, सुबह सुबह उठाया अर्चित को। कह रहा कि रोज स्कूल के लिए भी उठना पड़ता और यहाँ भी उठना पड़ गया। चलो जीरो में चलो। सो सब रेडी होकर नहा के तैयार हो गए, देखो अर्चित, अर्चित बिजी है अभी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सही है, पर बारिश आ सकती है ना। हाँ वेदर अच्छा। ड्राइवर साहब कहाँ है? तो ये हम लोग का होटल, होटल मादीन है एंड डिसेंट होटल, और आसपास काफी सारे होटल्स है यहाँ पर। आ गए ड्राइवर साहब, काफी सारे होटल्स है यहाँ आसपास। पीछे होटल क्लार्क्स है, सामने होटल ताज है। गुड मॉर्निंग, आज की प्रॉपर्टी है यहाँ पर। पहले तो अभी हम लोग काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं, और वहाँ पर अभी कॉरिडोर पूरा बन गया है। सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा भीड़ कम होगा, फिर भी हम लोग लेट है। जगह जगह पान का दुकान है। हम लोग गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे, और आप लोग जो टिकट्स है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसमें एंट्री टिकट, दर्शन, आरती बुकिंग, रुद्राभिषेक, ये सब चीज़ों के लिए आप बुक कर सकते हैं। और अभी ये पूरा कॉरिडोर बन गया है जो कि बहुत ही शानदार बना है, और यहाँ पर लॉकर सेवा भी उपलब्ध है जो कि आप शॉप में भी रख सकते हैं और अंदर भी फ्री सेवा उपलब्ध है। सीनियर सिटीजन्स के लिए व्हीलचेयर एक्सेट्रा भी अवेलेबल है। ये अभी हमने पूजा का सामग्री सब ले लिया है, और टोकन भी ले लिया है। काफ़ी रश है आज।
काशी विश्वनाथ जी का मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को काफ़ी बार बनाया भी गया है और मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा भी गया है, बट प्रेजेंटली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये महारानी अहिल्याबाई ने 1780 में बनाया और इसका गोल्ड जो आप देख रहे हैं वो गोल्ड को महाराणा रंजीत सिंह ने दिया था, जो कि इसको प्लेट किया गया है। और प्रेजेंटली आप ये देख रहे हैं ये नया कॉरिडोर है, ये गेट नंबर 1 है जहाँ पर श्रद्धालु नहा के स्नान करके दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत ही भव्य है पूरा, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ बाबा का। पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, हाँ क्लास होटल। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे। अच्छा दर्शन रहा महाराज, अभी ब्रेकफास्ट करके थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी हम लोग होटल आ गए और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग BHU संकट मोचन मंदिर ये वाला एरिया घूमेंगे और शाम को अस्सी घाट जाएंगे। अर्चित का आज भी कुछ क्लास है ऑनलाइन, तो बैठ के वो कर रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। डोसा मैंने ये पूरी अजवाइन पूरी और ये सब्जी आलू की सब्जी और एक समोसा लिया है, देखते कैसे रहता है। हाँ डोसा यहाँ। अभी हम लोग 6th फ्लोर आए हैं ब्रेकफास्ट के बाद और अर्चित को स्विमिंग करना है, तो स्विमिंग करने आ गया है, जिद कर रहा था, गॉगल्स नहीं है। सो दिस अ वेरी गुड होटल मादीन और इज अ 4-star। इनका वेबसाइट में 5-star लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट अ 5-star, इट्स अ 4-star होटल आई वुड से। एंड रूम्स आर प्रीटी नाइस एंड बिग और काफ़ी सारे सर्विसेज भी है यहाँ पर, स्पा, सैलून, जिम, स्विमिंग पूल और नीचे इनका एक स्टोर भी है, फैब्रिक और हैंडीक्राफ्ट का स्टोर है। सो काफ़ी अच्छा है, ब्रेकफास्ट भी डिसेंट था और लिमिटेड ऑप्शंस थे, बट जो भी जितने भी थे सब अच्छे से ही, मतलब यू नो प्रॉपरली कुक। स्पेशली जो साउथ इंडियन क्यूजिन थे वो अच्छा बनाया था, एंड आलू पूरी एंड सब्जी वो भी अच्छा था। सो अर्चित अभी थोड़ा सा एंजॉय कर ले, फिर हम लोग निकलेंगे बनारसी साड़ीज देखने के लिए एंड वहाँ स्ट्रीट फूड थोड़ा सा ट्राई करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो गो टू द बनारस यूनिवर्सिटी एंड संकट मोचन टेम्पल। सो यही प्लान है। Very good. चलो स्विमिंग करो। टू वॉच यू स्विम नाउ, क्विक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या है कि बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर ले तो सही रहते हैं, अदरवाइज वो भी बहुत बोर फील करने लगते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे एक होटल या रिजॉर्ट लेता हूँ जिसमें एटलीस्ट स्विमिंग पूल या कोई रिक्रिएशनल क्लब हो बच्चे का, अदरवाइज उनको तो बस ये सब चीज़ों से ही मतलब होता है, बाकी घूमना इतना शौक नहीं होता इनका। चलो बैठते हैं। धूप वेदर मॉर्निंग में तो अच्छा था, क्लाउडी था, हल्का सा धूप निकल आई है और थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया है। ये यहाँ से स्विमिंग पूल 6th फ्लोर पे है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हैंगिंग गार्डन जैसा बनाया है इन्होंने और ये होटल के ऊपर ब्रांडिंग है। दिस ऑल्सो नाइस प्लेस, बढ़िया चेयर टेबल्स। सामने आप देखिए, सामने काफ़ी सारे होटल्स हैं। ये राइट साइड पे होटल क्लार्क है
और लेफ्ट साइड पे भी एक होटल है, मैं देख रहा था। They have a spa service also here. नहीं, इमरती रहेगा, रबड़ी वाला दो।